वी आर स्टार्टिंग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9 सॉइल. सो व्हाट इज सॉइल? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. सॉइल क्या है? रॉक पार्टिकल्स यानी कि किसी चट्टान के, किसी पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनका मिक्सचर है, और ह्यूमस का जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी से जो खाद बनती है उसका मिक्सचर है. सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है. इट प्रोवाइड एंकर, ये एंकर प्रोवाइड करती है. कोई पेड़ है ना, वो सीधा खड़ा रहता है, ऐसा नहीं होता कि हवा चली और पेड़ गिर गया. क्यों? क्योंकि सॉइल है वो एक एंकर की तरह काम करती है और इसे पकड़े रहती है, गिर नहीं देती है. इट सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ट्रीज. पेड़ को क्या जो उसकी ज़रूरत होती है उन सबको पूरा करता है. प्लांट्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी कहाँ से लेती हैं? नीचे से, सॉइल के अंदर में से जो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर, वहीं से पानी लेती हैं, राइट? देन बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती हैं? वो भी सॉइल से लेती हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. अगर आपको खेती करनी है तो उसके लिए भी सॉइल बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ सॉइल पोल्यूशन? मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल. बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर रहते हैं. फॉर एग्जांपल आपका अर्थ बॉम है तो ये कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है. प्लास्टिक किल दीज ऑर्गेनिस्ट. जो प्लास्टिक होती है वो इन जानवरों को मार देती है. तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन हो जाना चाहिए. सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल लाइक केमिकल एंड पेस्टिसाइड. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि केमिकल्स हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं वो बहुत सारे केमिकल को रिलीज़ करती है, और जो पेस्टिसाइड है, पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कि कीड़ों को मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं जो फार्मर्स क्या करते हैं अपनी फील्ड पर छिड़कते हैं, उनसे भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है. तो इन सारे वेस्ट को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तब उन्हें रिलीज़ करना चाहिए, नहीं तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं. This is the organic component present in the soil formed by the decomposition of plants material by microorganisms present in the soil. Humus क्या है? वो organic component है जो मिट्टी में मिला हुआ होता है. और ये कैसे बनता है? छोटे छोटे microorganisms होते हैं, वो dead plants और animals की body पे work करते हैं और उन्हें complex से simple substance में break down करते हैं, उससे आपका humus बनता है. सो द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस. आप खुद भी ये क्रिएट कर सकती हैं. जो फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है ना कि जो भी आपके घर का वेस्ट है उसे दो अलग डस्टबिन में रखिए, राइट? तो जो वेजिटेबल्स का पील होता है, जो उनके छिक्कल होते हैं, उनसे अगर आप चाहें तो आप ह्यूमस क्रिएट कर सकते हैं. जब वो धीरे धीरे सड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में मिलते जाएंगे. द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बनती कैसे है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो, जब वो टूटती हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, ठीक है, इन पे एक्शन होता है विंड का, बहुत तेज़ हवा चलती है, ठीक है, कई बार इनके ऊपर पानी बरसता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, और कई बार क्लाइमेटिक चेंज होती है. पहले तो पानी बरसा, ठीक है, इसमें भर गया रॉक में अच्छे से, जहाँ पे भी पोर्स थे वहाँ पे भर गया पानी. उसके बाद बहुत तेज़ धूप आई, फिर आंधी आई, तूफान हुई, तो धीरे धीरे जो एक्शन होता है एनवायरनमेंट का, उसकी वजह से ये रॉक स्मॉल पीसेस में टूटती जाती हैं, और विंड की हेल्प से जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती जाती हैं, और उसी से सॉइल बनती है, और बहुत ही ये स्लो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, ठीक है. बड़ी बड़ी रॉक्स का स्मॉल पीसेस में ब्रेक होना विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ विंड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा इज नोन एज वेदरिंग. नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल. अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल विच डिपिक्ट्स ऑल द लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? अगर हम सपोज करिए इस तरीके से कट करें, ठीक है, वर्टिकली कट करें, यानी कि जैसे कि अब हम कुआं बनाने के लिए मिट्टी को खोदते हैं, या हैंडपम्प लगाने के लिए मिट्टी को खोदते हैं, या घरों की नींव लगाने के लिए मिट्टी को खोदते हैं, तो हमें जो वर्टिकल सेक्शन दिखता है, जो सीधा सीधा खड़ा सेक्शन दिखता है अर्थ का, तो उसमें हमें सॉइल की डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं.
ईच लेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर, जो हर लेयर है सॉइल की वो एक दूसरे से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उनका टेक्स्चर अलग है, बनावट एक दूसरे से अलग है, उनका कलर एक दूसरे से अलग है, किस गहराई पे मिलेंगी वो भी एक दूसरे से अलग है, उनकी केमिकल कंपोजिशन यानी कि उसमें कौन सा मिनरल ज़्यादा है कौन सा कम है ये सब भी अलग अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल जो अपर मोस्ट लेयर है ए होरिजन, उसमें जो ह्यूमस की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट? क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जब वो डेड होते हैं तो वो अपर लेयर पे ही तो फॉल करते हैं, वहीं पे तो गिरते हैं, वहीं पे तो डिकम्पोज होते हैं. वहीं अगर मैं बात करूँ सी होरिजन की, तो वहाँ पे क्या ह्यूमस प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा. ईच लेयर इज कॉल्ड होरिजन, हर लेयर जो सॉइल की होती है उसे होरिजन कहा गया है. जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, कितने होरिजन है? ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड बेड रॉक. अब अन्य डिटेल में देखते हैं ए होरिजन और टॉप सॉइल. ए होरिजन को टॉप सॉइल भी कहा जाता है. ये कलर में डार्क होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है और मिनरल प्रेजेंट होता है. मींस इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. इट इज़ शेल्टर फॉर मैनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिक्स. बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका बीटल है, रोटेंट है जैसे कि चूहा है, या कीड़े मकौड़े हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है. और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, पोरस होती है यानी कि इसमें बहुत सारे होल होते हैं. इन होल्स की वजह से क्या होता है? इट कैन ऑब्जर्व एंड होल्ड मोर वाटर. इन छोटे छोटे होल्स की वजह से, क्योंकि ये बाय नेचर पोरस है इसलिए ये पानी को सोख सकती है और उसे अच्छे से होल्ड कर सकती है. नेक्स्ट इज बी होरिजन और मिडिल लेयर. इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट एंड हार्डर लेयर. जो आपका बी होरिजन है वो ए होरिजन के कंपैरिजन में हार्डर लेयर है. लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर अमाउंट ऑफ मिनरल. यहाँ पे जो ह्यूमस है उसका अमाउंट कम है लेकिन यहाँ पे मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. नेक्स्ट इज सी होरिजन. इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ सॉइल. जो सॉइल की थर्ड लेयर है उसे सी होरिजन कहा जाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्ब्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स. यानी कि ये बनी होती है छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से जिनमें दरार होती है. नेक्स्ट इज बेड रॉक और डी होरिजन. जो सबसे लास्ट लेयर है वो है आपकी बेड रॉक. ये हार्डेस्ट लेयर होती है, सबसे कठोर लेयर होती है, अनवेदर्ड होती है यानी कि यहाँ पे वेदरिंग का, बाहर जो सनलाइट है, जो विंड है स्ट्रॉन्ग जो ब्लो कर रही है, या फिर जो बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, उसका इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सबसे डेप्थ में होती है, सबसे निचली लेयर होती है सॉइल की और ये सबसे हार्डेस्ट है. अगर आप इसे कुल्हाड़ी से भी तोड़ना चाहोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. सो नाउ वी हैव सीन द लेयर्स ऑफ सॉइल. अगर आप इन सॉइल की लेयर्स को देखना चाहते हो तो कहीं पे अगर डीप डिगिंग हो रही है, कहीं पे किसी का घर बन रहा है, उसकी नींव रखी जा रही है, यहाँ कहीं पे कोई कुआं खुद रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो उन सभी लेयर्स को. एक बार फिर से इन्हें देख लेते हैं. सी द इमेज. ए होरिजन था वो डार्क कलर का था, वहाँ पे ह्यूमस और मिनरल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे यानी कि ये सॉइल इसमें रिच थी, पोरस थी यानी कि इसमें छोटे छोटे होल्स थे और इजीली ये पानी को एब्जॉर्व कर सकती थी. नेक्स्ट जो लेयर थी वहाँ पे ह्यूमस कम प्रेजेंट था लेकिन वहाँ पे मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी. जो सी होरिजन था वहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल रॉक पीसेस मिले थे जिनमें क्रैक थे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े मिले थे पत्थरों के जहाँ पे क्रैक्स थे, उनमें दरारें थी. बात करते हैं लास्ट लेयर की यानी कि बेड रॉक. बेड रॉक में क्या है? इतने बड़े बड़े स्टोन्स हैं, इतने बड़े बड़े रॉक पीसेस हैं और ये अनवेदर्ड है, यहाँ पे मौसमों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इन्हें तोड़ना सबसे मुश्किल है. किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके भी ये सबसे सख्त लेयर है, इसलिए आपको दिक्कत होगी जब आप इसे ब्रेक करेंगे. नेक्स्ट, द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन मॉल्ड एंड द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट. कोई भी सॉइल है वो बाय नेचर कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बनी है, किस चट्टान के टुकड़ों से वो बनी है और इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ पे क्या उगाना चाहिए. तो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल. तीन तरह की सॉइल होती है. फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल एंड द लास्ट वन इज लूमी सॉइल. द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज. ये हमने जो सॉइल को तीन कैटेगरीज में बांटा है, ये किस बेसिस पे बांटा है कि जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स की साइज क्या है. सैंडी सॉइल
In this soil, the sand particles are quite large, so there are large space between them. These space are filled with air. सबसे पहले बात करते हैं sandy soil की. Sandy जो soil होती है उसमें जो particles होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा space होता है, क्योंकि ये जो particles हैं ये बड़े बड़े हैं, यानी कि बड़े बड़े particles हैं soil के, तो इनके बीच में इतना space है. ये तीन particles मैंने आपको दिखाए, इतना इनके बीच में space है कि जब बारिश होती है या कोई भी पानी है वो इनके बीच में से निकल जाता है. ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती, अपने साथ उसे रख नहीं सकती, क्योंकि इनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस है, इतना ज़्यादा एयर भरा हुआ है. इसीलिए हम देखते हैं कि कभी आप सैंड को हाथ में लेते हो, रेत को, तो वो क्या करती है, फिसलती है, क्योंकि उसके बीच के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा एयर है. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस, इतना स्पेस है कि पानी इनके बीच में से ईजिली निकल जाता है. Sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. जो sandy soil है क्योंकि ये पानी को hold नहीं कर सकती, इसलिए ये dry है, सूखी हुई सी है, लेकिन इसके जो particles हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा air है, इसलिए ये well aerated है और ये light weight है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, यानी कि moisture नहीं है, तो इसलिए इसका जो वजन है बहुत ही कम है. Next बात करेंगे clay soil की. Clay particles being much smaller pack tightly together, leaving little space for air. जो क्ले सोल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, इस वजह से ये वाटर को काफ़ी बेहतर तरीके से होल्ड कर सकती है, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है, इसलिए ये वाटर को अच्छी तरीके से होल्ड कर सकती है. और इसके बीच में जो एयर है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है कि ज़्यादा एयर इनके बीच में आ सके. सो इट कैन होल्ड मोर वाटर, दैट्स वाई इट इज़ हैवी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी सोख सकती है, उसे अपने पास होल्ड करके रख सकती है, इसलिए ये हैवी होती है. द लास्ट वन इज़ लूमी सॉइल. इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स आर अबाउट द सेम, अगर दोनों तरह की सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल थी उसके पार्टिकल्स लार्ज थे, क्ले सॉइल के पार्टिकल बहुत कैसे थे, फाइन थे, बहुत ही छोटे छोटे थे, अगर दोनों तरह के पार्टिकल्स इक्वल इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिए जाएँ तो जो आपको सॉइल मिलेगी वो आपको मिलेगी लूमी सॉइल. लूमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड. तो बेसिकली ये सैंडी सॉइल का क्ले सॉइल का मिक्सचर है और इसमें सिल्ट भी प्रेजेंट होती है. सिल्ट क्या होती है, सिल्ट अकर एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड. सी दिस डायग्राम. नदी के तले या किनारों पर जमा रेत, मिट्टी या कीचड़ सिल्ट कहलाता है. इट हैज़ ह्यूमस एंड राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. सबसे बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है, लूमी सॉइल, बिकॉज उसमें क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब उतना पानी होल्ड कर सकती है जितना रिक्वायर्ड है प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए, इसलिए इसे बेस्ट कहा गया है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो ये थी थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल. नेक्स्ट सी द क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल विल बी बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज. अगर आपको मूर्ति बनानी है, मिट्टी के खिलौने बनाने हैं या मिट्टी के बर्तन जैसे कि मटका बनाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी किस तरह की सॉइल रहेगी, तो आप क्या करो, तीनों सॉइल के सैंपल लो और उन्हें थोड़ा सा पानी डाल के आप गूंद के, जैसे आटे को रोल करते हो उस तरीके से करके देखो, तो ऑब्वियसली बात है जिस सॉइल को इजीली आप मोल्ड कर सकते हो, कोई शेप दे सकते हो, वही बेस्ट रहेगी ये स्टैचू बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए और मटकास बनाने के लिए. तो यहाँ पे हमने जब ये एक्टिविटी करी तो हमें पता पड़ा क्ले और लूमी सॉइल बेस्ट है मिट्टी की चीज़ों को बनाने के लिए. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. सॉइल पजेस वेरियस प्रॉपर्टीज़ लाइक इट कंटेन एयर. सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं. फर्स्ट इज इट इज़ पोरस, यानी कि इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेस होती हैं, उनकी वजह से उनमें एयर फिल होती है और उन्हीं की वजह से वाटर क्या करता है, नीचे चला जाता है ग्राउंड के अंदर. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सॉइल पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. सेकेंड इज़ देयर इज़ मॉइस्चर इन सॉइल, यानी कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होता है. मॉइस्चर इन सॉइल इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. मॉइस्चर क्या होता है, नमी, वो अमाउंट है, वो क्वांटिटी है पानी की जो किसी भी मिट्टी में मौजूद है. अगर आपको चेक करना है कि सॉइल में मॉइस्चर होता है या नहीं, तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं. आपको एक बीकर में थोड़ी सी सॉइल लेनी है. ये हमने क्या किया, बीकर में हमने थोड़ी सी सॉइल का सैंपल डाला, ठीक है. जब हमने इसे हीट किया तो सॉइल के अंदर जो नमी थी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट था,
तो जैसे जैसे आप हीट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके किनारों पे क्या होगा, वाटर की ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। जो मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है, ये भी अब हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। इसके लिए आपको एक प्लास्टिक फनल लेना पड़ेगा और एक फिल्टर पेपर की आपको ज़रूरत होगी और पाउडर्ड सॉइल की, और आपको क्या करना है एक ड्रॉपर की हेल्प से। फर्स्टली तो आपने क्या किया, एक बीकर लिया, ये हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने एक फ़नल लगाया, फ़नल के ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर पेपर को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हमने पाउडर्ड सॉइल ली थी, यानी कि सूखी हुई सॉइल ली थी जो पाउडर की फॉर्म में थी, हमने उसे फ़िल्टर पेपर के ऊपर लगाया और उसके बाद ड्रॉपर में हमने पानी लेके क्या किया, उस पाउडर्ड सॉइल के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपकी पाउडर्ड सॉइल है, तो हमने ड्रॉपर से इसके ऊपर धीरे धीरे पानी डाला, ठीक है, पानी डाला। तो हमने पहले चेक किया, सपोज़ करिए स्टार्टिंग में हमने ड्रॉपर में लिया था 10 ml वाटर, हमने इतना वाटर लिया था, और हमने यहाँ पे क्या है, फ़नल के थ्रू पानी नीचे भी जा रहा है। जब हमने चेक किया कि फ़नल के थ्रू कितना पानी कलेक्ट हुआ है, तो हमें पता पड़ा कि सिर्फ 6 ml वाटर कलेक्ट हुआ है, तो बाकी का 4 ml कहाँ गया, वो ये जो सॉइल थी फिल्टर पेपर के ऊपर इसने एब्जॉर्व कर लिया। इससे हमें ये पता पड़ता है कि जो मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है। यू कैन ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्व। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितना पानी मिट्टी ने एब्जॉर्व किया है, तो आप एक फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, सी दिस। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली जो हमने पानी लिया उसकी क्वांटिटी क्या थी। तो यहाँ पे यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे हम 10 ml ले रहे हैं, ठीक है। देन वी इज़ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, शुरू में हमने ड्रॉपर में 10 ml लिया था और जब बीकर में पानी को मेज़र किया तो हमें पता पड़ा कि 5 ml है, ठीक है, ओके। देन यू शुड ऑल्सो नो द वेट ऑफ सॉइल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कितनी सॉइल लिया, आपने जो पाउडर्ड सॉइल है वो कितनी ली है। तो यहाँ पे हमें पता पड़ा है कि हमने 50 ग्राम ली है, ओके। एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100। फर्स्टली तो आप डिफरेंस निकालो, 10 - 5 = 5, और वेट था इस सॉइल का 50 ग्राम। इंटू 100 जब आप करोगे तो आप ये फाइंड आउट ईजिली कर सकते हो, आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना वाटर सॉइल ने एब्जॉर्व किया है। नेक्स्ट इज परकोलेशन ऑफ सॉइल। परकोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग लिक्विड वाइल पासिंग थ्रू अ फिल्टर। ये प्रोसेस क्या है, इसमें आप किसी लिक्विड को पास कराते हो किसी फिल्टर से, ओके। तो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी दी हुई है। फर्स्ट इज सी, हायर परकोलेशन कहाँ होगा, सैंडी सॉइल में, क्योंकि वहाँ के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, इसलिए वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और जो आप पानी डालोगे, जो लिक्विड डालोगे, वो सैंडी सॉइल से फिल्टर होता हुआ नीचे पहुँच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा परकोलेशन किस में होगा, सैंडी सॉइल में। सो वी नो दैट व्हेन देयर इज मोर स्पेस इट मींस दैट देयर विल बी हायर परकोलेशन। अगर स्पेस ज़्यादा होगा सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, तो जो परकोलेशन है वो भी ज़्यादा होगा। हायर परकोलेशन रेट मीन्स लोअर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। परकोलेशन रेट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है। जब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, यानी कि वो पानी को कम एब्जॉर्व कर रही है, तभी तो वो लिक्विड को अपने से पास थ्रू होने दे रही है ज़्यादा क्वान्टिटी में। सो बाय दिस वी नो दैट हायर परकोलेशन रेट इज़ पॉसिबल ओनली वेन द सॉइल इज़ हैविंग लोअर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ मैक्सिमम परकोलेशन। सैंडी सॉइल में मैक्सिमम परकोलेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल है इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। वही बात करें, विच टाइप ऑफ सॉइल विल हैज़ मिनिमम परकोलेशन, तो क्ले सॉइल में मिनिमम परकोलेशन होगा, क्योंकि इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा पानी को सोखती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा पानी को सोखती है तो क्या होगा, अगर हम एक लिक्विड को इससे पास करेंगे, ओके, तो बहुत सारा ये पानी सोख लेगी और बहुत कम लिक्विड नीचे तक पहुंचेगा ग्राउंड वाटर में। नेक्स्ट इज रेनफॉल सीप।
अंडरग्राउंड थ्रो परकोलेशन, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी धीरे धीरे रिस कर नीचे जाता है परकोलेशन की प्रोसेस के द्वारा। वेयर वाटर ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स थ्रू द टाइनी स्पेस बिटवीन रॉक्स एंड सॉइल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, परकोलेशन प्रोसेस की वजह से ही क्या होता है, जब बारिश होती है तो धीरे धीरे बारिश का पानी रिस रिस के नीचे जाता है। नेक्स्ट, सम ऑफ द वाटर इज रिटेन्ड बाय द सॉइल वाइल द रेस्ट परकोलेट्स डाउन एंड इट इज़ कलेक्टेड एज ग्राउंड वाटर। बहुत सारा पानी है वो मिट्टी सोख लेती है और जो नीचे बचता है, जो नीचे पानी जाता है रिस के, वो ऐसा पानी है जो परकोलेट होके नीचे गया है और वही हमें ग्राउंड वाटर की तरह मिलता है यूज़ के लिए। दिस हेल्प्स टू रिप्लेनिश एक्वीफर्स। ये मिट्टी की जो परत होती है जहाँ पानी रुक सकता है, यानी कि मिट्टी की जो लास्ट परत है जहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स हैं और जहाँ पानी रुकता है, उसको रिचार्ज करती है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाती है। परकोलेशन रेट वेरीज विद द टाइप ऑफ सॉइल। हर तरह की डिफरेंट टाइप की सॉइल में जो परकोलेशन रेट है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमने अभी देखा सैंडी में अलग था, क्लेई सॉइल में अलग था। इफ वी नो द टाइम टेकन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू परकोलेट डाउन द सॉइल, वी गेट द परकोलेशन रेट। अगर आपको ये पता है कि हमने कितनी क्वांटिटी में पानी लिया और कितने टाइम में वो नीचे गया, तो आप परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं। यू कैन सी द फॉर्मूला विच इज़ गिवन इन येलो कलर। सी, एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। 60 ml वाटर था और 20 मिनट्स में वो परकोलेट होके नीचे गया, तो आपको बताना है कि परकोलेशन रेट क्या है। 60 ml वाटर था, 20 मिनट्स में नीचे गया, तो आप 60 को 20 से डिवाइड करेंगे और आपको पता पड़ जाएगा कि परकोलेशन रेट क्या था। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है, मिट्टी की पानी को सोखने की क्षमता। जब हम किसी पानी को या किसी भी लिक्विड को ज़मीन पर डालते हैं तो किस स्पीड से ज़मीन उसे सोख लेती है, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द लैंड बाय विंड वाटर और आइस इज नोन एज इरोजन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन वो प्रोसेस है जब हवा की वजह से, पानी की वजह से जो मिट्टी है वो एक जगह से शिफ्ट हो जाती है दूसरी जगह पे। ऐसा ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि उस जगह पे प्लांट्स नहीं होते हैं, तो कोई इस तरह की ज़मीन है तो यहाँ पे क्या होगा, जब बहुत तेज़ हवा होगी तो यहाँ से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह पहुँच जाएगी, या अगर पानी बहेगा, बहुत तेज़ बारिश होगी तो भी क्या होगा, मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि इस जगह पे पेड़ नहीं थे। तो जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। मेथड्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर आप चाहते हैं कि सॉइल इरोजन को कम किया जाए तो इसके लिए फर्स्टली तो पेड़ों को काटना कम करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए, सेकेंडली हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज सॉइल एंड क्रॉप्स। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सॉइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। हम सॉइल का टाइप देख के डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन करना चाहिए। सो सी हियर, सैंडी सॉइल, जो वहाँ पे सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे हम ग्रो करते हैं कैरेट, रेडिश एंड पोटैटो, यानी कि गाजर, मूली और आलू को ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में। वहीं अगर हम बात करें क्लेई सॉइल की, तो वहाँ पे हम सीरियल, दालों को उगाते हैं, वीट, गेहूं, चना, चावल, इन सब चीज़ों को उगाते हैं। फिर बात करते हैं लूमी सॉइल की, ये बेस्ट होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दालों को उगा सकते हैं, गेहूं को उगा सकते हैं, चना है, मैसूर है, कॉटन है, इन सबको उगा सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।